हेलो एवरी वन वेलकम टू अर आइव ऑनलाइन क्लासेज दिस इज प्रवीन हेयर आज हम एच पी टेट मेडिकल प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सीरीज़ में चैप्टर नंबर वन क्लास प्लस टू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एन सी आर टी में एडिशनल बहुत सारे क्वेश्चन हैं जितने प्रीवियस ईयर आए हुए हैं आई थिंक सोलह सत्रह क्वेश्चन यहाँ से हैं और बाकी एडिशनल क्वेश्चन भी साथ के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ आज का ये पार्ट हमारा पार्ट नंबर थर्टी वन रहेगा इससे पहले प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करें प्रीवियस पार्ट से ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप पार्ट वन से ही शुरू करें चैप्टर वाइज हमने करा हुआ है अगर आप नए हैं एच पी डेट की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर रहे हैं तो आपको पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले चैप्टर को रीड करें चैप्टर को रीड करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें अपने आप पहले ख़ुद से ट्राई करें बाद में मेरा एक्सप्लेनेशन सुने लेकिन पहले ख़ुद ट्राई करें प्रीवियस ईयर बुकलेट और एनसीईआरटी बुक आपके पास होनी चाहिए जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है मुझे दो तीन स्टूडेंट्स के डीएम आए थे कि मैम एन सी आर टी बुक मिलने रही है देखिए ऑनलाइन हर साइट पर जाके आप लोग सर्च करिए और ओल्ड बुक लेने की कोशिश करिए या फिर बुक सेलर के पास ओल्ड स्टॉक अभी कम ही होगा या कहीं कहीं पे होगा भी नहीं क्योंकि अपडेटेड जो बुक्स अब आई हैं चाहे वो सेंट्रल बोर्ड की बुक्स हैं चाहे है एच बोर्ड की बुक्स हैं उनमें चैप्टर डिलीट है तो डिलीटेड यूनिट्स आपको उनमें नहीं मिलेंगी और वो डिलीटेड यूनिट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास प्लस वन से जो है वो डाइजेशन uh, वाला चैप्टर पूरा गायब है तो वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ओल्ड बुक्स परचेज़ करने की कोशिश करें जितने जल्दी हो सके राइट right? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन बर्डिंग ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और ऑल ऑफ दिस तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जब जो है गेमीट फॉर्मेशन होता है और गेमीट्स जो है वो <coughs> अपना जो जेनेटिक मटेरियल है दोनों पेरेंट से एक्सचेंज करते हैं और नेक्स्ट इंडिविजुअल में वो जाता है अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रो कैरियोट्स एन में लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए बोला हुआ है दैट इज़ ए सक्चुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि प्रो कैरियोट्स जो है सारे यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ बाइनरी फिजन बाइनरी फिज़न फिजन का एक टाइप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एक मल्टीपल फिजन हो है, जिससे क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल बॉडीज़ बनती हैं ऑटोगैमी क्या होता है ऑटोगेमी वर्ड यूज़ होता है सेल्फ पोलिनेशन के लिए ही अगला क्वेश्चन टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अमीबा आर कॉल्ड उन्हें हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं फूड को कैप्चर करने में मूव करने में इसको हेल्प करता है अमीबा को और अमीबा जब जो है अपना फूड कैप्चर करता है तो दो तरीके से करता है छोटी क्लास के एन में आपको एक कंसेप्ट मिलेगा एक टर्म है दैट इज पिनोसाइटोसिस और दूसरा नोट कर लीजिए दैट इज फैगोसाइटोसिस ये दोनों ही टाइप हैं दैट इज एंडोसाइटोसिस के एंडोसाइटोसिस जब सेल के अंदर कुछ आ रहा है अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है देन पिनोसाइटोसिस सॉलिड फॉर्म में है फेगोसाइटोसिस तो अमीबा मेनली एंडोसाइटोसिस से अपना फूड गेन करता है अगर लिक्विड फूड गेन करता है देन इट इट इज पिनोसाइटोसिस अगर सॉलिड है तो फेगोसाइटोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग इज इन तो ईस्ट इसका आंसर होगा ईस्ट में बडिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफर्स बाइनरी फिजन अकर इन ये आपका एन के बाहर का क्वेश्चन है आई थिंक टेंथ की एन में थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है पिक्चर्स वगैरह तो जो बाइनरी फिजन होता है वो मेनली तीन तरह का हम इसको पढ़ते हैं पहला इ बाइनरी फिजन जो कि होता है अमीबा में इ रेगुलर बॉडी है ठीक है टू इक्वल हाफ में अमीबा डिवाइड हो जाता है दूसरा टाइप है लॉन्गील

ओवी वर्ड रिलेट कर रहा है ओवा से ओवा को और हम क्या बोलते हैं एग सेल बोलते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म एग ले होते हैं अंडे देते हैं उन्हें ओवी पेरस कहते हैं और दूसरी टर्म है आपकी दैट इज़ वी वी पेरस जो बच्चों को जन्म देते हैं मोस्ट मैमल्स जो हैं वो वी वी पेरस होते हैं कुछ एक एक्सेप्शन है जैसे कि प्लेटिपस प्लेटिपस एक मैमल है पर वो ओ पेरस है वी वी पेरस नहीं है यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाकी सब मैमल्स हैं और ये सभी क्या है वे वेरस एनिमल्स हैं अगला क्वेश्चन लाइफ स्पेन ऑफ बनियन ट्री यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टू हंड्रेड ईयर्स कुछ एन सी आर टी के अंदर लाइफ स्पेन यही चैप्टर वन में ही एन सी आर टी में एक पेज पे पूरा विद दा, डायग्राम दिया हुआ है वहाँ से आप मेन मेन जो है वो लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म के लर्न कर लीजिएगा कॉमन ही है इजिली लर्न हो जाता है अगेन ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ तो पूरी लाइफ में बैम्बू जो है सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है और जब जो है बैम्बू का प्लांट तकरीबन पचास से सौ साल के बीच में उसकी एज होती है तब वो बहुत ज़्यादा फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करता है फ्लावरिंग के बाद फ्रूट्स बनते हैं और उसके बाद प्लांट की डेथ हो जाती है ठीक है इसीलिए वंस इन अ लाइफ स्पेन यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थीनो कारपी सो पार्थिनो कार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉमन इन बनाना नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म गिविंग बर्थ टू यंग वंस अभी बताया मैंने उसको हम क्या बोलते हैं वी ऑर्गेनिज्म बोलते हैं अनदर नेम ऑफ फर्टिलाइज एग जब हम चैप्टर नंबर वन ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखते हैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी दी हुई है जैसे गैमेटोजेनिस क्या होता है फर्टिलाइजेशन सिंगमी वगैरह तो बेसिक चीज़ पूरा रिप्रोडक्शन का यहाँ पे इस चैप्टर में आपको मिलता है फर्टिलाइज एग को हम क्या बोलेंगे जाइगोट बोलेंगे जैसे ही फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स होता है हमें पता है मेल एंड फीमेल गैमेट जो है आगे क्या बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं जाइगोड की डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो बनता है ये एम्ब्रियो डेवलप होता है और बाद में जो है वो पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बनती है मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो पूरा प्रोसेस है जयगोड से बॉडी बनने का इसमें जो सेल डिविजन्स होते हैं उसे हम कहते हैं क्लीवेज जो स्टार्टिंग में डिविजन्स होते हैं जिसमें ब्लास्टोमियर्स बनते हैं ये आप ज़रूर पढ़ लें क्योंकि इम्पॉटेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये टॉपिक है नेक्स्ट है इसमें देखो एम्ब्रियो क्या होता है पता है जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है मास ऑफ सेल आप बोल सकते हो मोरूला एक स्टेज आती है जो मलबरी फ्रूट से रिजेंबल करती है अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी इट इज़ एट टू सिक्सटीन सेल्ड स्टेज ब्लास्टोमियर की जो सेल्स होते हैं जो बनते हैं क्लीवेज के दौरान ठीक है एम्ब्रियो जब डिवाइड करता है और ब्लास्टोसिस्ट एक और स्टेज आती है जो कि मोरूला के बाद बनती है और ये ब्लास्टोसिस्ट जैसे यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग का है तो फेलोपियन ट्यूब के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है फिक्स होता है इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं क्वेश्चन आते हैं विच स्ट्रक्चर इम्प्लांट्स इन द यूट्रस ऑफ ह्यूमन तो ब्लास्टोसिस्ट वहाँ पे आंसर होगा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेक्चुअल फ्लावर अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ यूनिट नंबर वन पूरी यूनिट की बात कर रही हूँ चैप्टर नंबर वन से चैप्टर नंबर फोर पूरे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस पर मैंने चार पार्ट की अलग एक वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें हमने क्विक एक रिविजन किया हुआ है आप उसको प्ले में जाके देख सकते हैं प्रीवियस आपको मिल जाएगा वो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेक्चुअल फ्लावर तो यूनिसेक्चुअल फ्लावर उन प्लान में बनते हैं जो डाइशियस होते हैं ठीक है तो डाइशियस टर्म का मतलब होता है डाई डायमींस टू दो प्लांट हैं अलग अलग ठीक है फीमेल प्लांट अलग है मेल प्लांट अलग है और जो छोटे प्लांट होते हैं प्रिमिटिव प्लांट्स जिनमें थैलॉइड बॉडी होती है नो डिफ्रेंशिएशन इन रूट्स स्टेम एंड लीव उन उनके लिए टर्म यूज़ होती है हिट्रोथैलिक ठीक है डाइशियस की जगह पे हम वहाँ पे क्या बोलते हैं हिट्रोथैलिक या होमोथैलिक प्लांट्स uh, बोलते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी वाटरमेलन मेलन पपाया दोनों ही जो है यूनिसेक्चुअल डाइश <coughs> प्लांट के एग्जाम्पल हैं अगला क्वेश्चन है एक्चुअल रिप्रोडक्शन डे एक्सप्लेस थ्रू बर्डिंग इन तो बर्डिंग ईस्ट में कॉमन है अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस थ्रू तो ये क्वेश्चन भी दो तीन बार रिपीट हुआ है लीव्स के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस होता है फ्लावर जो है पूरे प्लान में फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बाकी जो है लीव स्टेम या रूट ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कैक्टाई तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ठीक है अगर सिंपल पूछा होता कि रिप्रोडक्शन कैक्टस में किससे होता है तो कैक्टस जो है फ्लावर से भी रिप्रोड्यूस करता है स्टेम से भी रिप्रोड्यूस करता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे पूछ रखा है वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो मैं तो ऑप्शन सी के साथ क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके पास देकर रखा है अगर आपके ऐसे क्वेश्चन कई बार देखा गया है हिस्ट्री ऑफ एचपीडेंट में कि आपसे ऐसे कुछ गड़बड़ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार तो इस पर आप जो है अपना डाउट रेस कर सकते हो और यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाते हैं अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर वेजिटेटिव ऑर्गन दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन दैट इज स्टेम तो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है आपने मिच्योर ओवरी फॉर्म्स तो ओवरी मिच्योर होने के बाद बनाती है फ्रूट और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो बनाते हैं सीड एक बिल्कुल बेसिक सा ये आइएप्ट है तो ये कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कुछ और एनसीईआरटी की चीजें बता देती हूँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है जैसे कि फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द पेनीसिलियम एनसीआरटी के बता रही हूँ मैं पेनीलियम तो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन शो करता है कोनीडिया स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर ठीक है हाइड्रा हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है अपनी बर्ड्स से वैसे ही स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्यूल्स ये किसमें बनते हैं स्पॉन्ज में स्पॉन्ज के अंदर इंपॉर्टेंट इसके बाद अगेब मैं आपको एनसीईआरटी के वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बता रही हूँ जो हो सकता है पूछ ले जाए एग्जाम्पल क्योंकि एन सी आर टी क्या अगेव जो प्लांट है उसके अंदर बनते हैं बल्बिल्स इनसे रिप्रोडक्शन होता है और ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हम इनको बोलते हैं अगला है दैट इज़ जिंजर जो है तो उसमें ये रहीजोम से रिप्रोड्यूस करता है जिंजर और वाटर हाई का भी दिया हुआ है वाटर हाई आप थोड़ा सा रिकॉल करिए इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं आपको इसको और क्या बोलते हैं ऑफसेट ऑफसेट इसमें बनते हैं इसको टेरर ऑफ बेंगल बोलते हैं एक ये एग्जॉटिक स्पीशीज़ है जिसे एलियन स्पीशीज़ के नाम से जाना जाता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से इसके अलावा एक क्वेश्चन प्राइमेट्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट का भी आया हुआ था बट मुझे वो क्वेश्चन मिला नहीं एक्चुअली पर मुझे याद है कि क्या क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर आइडेंटिफाई द प्राइमेट्स ठीक है इस तरह से या फिर किस में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेट करते दे, देखो दो तरह के ऑर्गेनिज्म में हम डिवाइड कर देते हैं प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स तो जैसे हम लोग हैं हम प्राइमेट्स में आते हैं प्राइमेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और मैंस्ट्रोन साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होती है नॉन प्राइमेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ओस्ट्रस साइकिल चलती है ब्लीडिंग नहीं होती है बाकी सब प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम्पल तो प्राइमेट्स में एक तो ह्यूमन एप्स मंकी चिमपैजी गोरीला ये सब इसके एग्जाम्पल हैं बात करें हम नॉन प्राइमेट्स के नॉन प्राइमेट के बारे में आया था आपको क्वेश्चन इसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ था काउ शीप रैट नोट कर लीजिए एन के एग्जाम्पल हैं ये डियर डॉग टाइगर ये सब एन के एग्जाम्पल हैं ठीक है थीके? तो ये हो गए एन से इसके अलावा जैसे रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आपको याद रखना है एक होता है आपके पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं या चेंजेस आप बोल लो फिर आते हैं आपके पास फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फिर आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ये तीन इवेंट्स आपके पास आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा आपका जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेच्योर होंगे ठीक है जैसे कि गेमिटोजेनेसिज आ जाएगा गेमिट्स का बनना ठीक है और फर्टिलाइजेशन को और हम क्या बोलते हैं सिनगैमी ये टर्म भी आपसे फ्यूजन ऑफ केमिक को हम सिनगैमी भी बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या चेंजेस आते हैं जाइगोट का बनना एम्ब्रियो बनना गेस्टेशन पूरा बॉडी बनना ठीक है ये सब आता है पॉलिनेशन किस में आएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन जाइगोट जो है वो डिवाइड किस सेल डिवीजन से करता है दिया एव एन सी आर टी में जाइगोट में सेल डिवीजन होता है मोस्टली मियाटिक डिवीजन होगा मियोसिस होगा तो स्पोर बनाएगा कुछ ऑर्गेनिज्म में ठीक है तो जाइगोड जो है जब मियोसिस के थ्रू आगे डिवाइड करता है तो हेप्लॉयड स्पोर फॉर्मेशन करता है प्रीमेटिव प्लांट्स के अंदर लेकिन जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो जाइगोड में वहाँ पे माइटोसिस होगा ध्यान रखेंगे एन में दिया हुआ ये स्पोर वाला कि हेप्लॉयड स्पोर्स जाइगोड से बनते हैं जब उसमें मियोसिस होता है तो इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना है ह्यूमन के साथ ह्यूमन में माइटोसिस के डिवीज़न होगा और पूरी बॉडी बनेगी ठीक है जी ह्यूमन में जो है कैसी रिप्रोडक्शन होती है सेक्चुअल uh, रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं विद इन द बॉडी होती है तो ये कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आई होप कि ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लग रही है और आपको हेल्प कर रही है सीरीज uh, होप सो कि आप बेनिफिट गेन कर रहे हैं यहाँ से अपनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एक मैंने आपके लिए वीडियो कल मॉर्निंग ग्यारह बजे अपडेट हो जाएगी वो जिसमें हम जेनेटिक्स के टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपना जेनेटिक्स से रिलेटेड रे कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं वो आपको सीरीज़ में देखने को मिलेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में